देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे फोन देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी फोन का कैमरा अच्छा होता है तो किसी फोन का प्रोसेसर, किसी फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है तो वो फोन 4G होता है। पर दोस्तों, इन सभी फोन में से कुछ ऐसे फोन भी होते हैं जिनमें आपको सारे के सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिसे हम ऑलराउंडर फोन बोलते हैं। तो दोस्तों, काफी रिसर्च और एनालिसिस के बाद आज के इस वीडियो में आपको इस टाइम के सबसे अच्छे बेस्ट ऑलराउंडर फोन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत ही कमाल के फीचर देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये सारे के सारे फोन 5G सपोर्ट के साथ आते हैं और लेटेस्ट भी हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि वो कौन कौन से फोन हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी फोन हैं उन सबकी जो रैंकिंग है बाय ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज है। स्टार्ट करेंगे दोस्तों नंबर 5 से और धीरे धीरे करके नंबर 1 तक जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, इससे आपको ये पता चलेगा कि किस फोन में कौन सा फीचर है और कौन सा फोन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों नंबर 5 से। तो नंबर 5 पे आता है इंडिया की सबसे वेल रिप्यूटेड कंपनी का स्मार्टफोन, जो कि अपने सॉलिड डिजाइन के कारण वर्ल्ड में पॉपुलर है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों नोकिया कंपनी के स्मार्टफोन के बारे में, जिसने अभी हाल ही में एक बहुत ही अच्छा फोन लॉन्च किया है, जो कि है दोस्तों नोकिया का नोकिया G42 5G। यहाँ पर दोस्तों इस फोन के डिजाइन की बात करें तो ये फोन कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है और काफी सॉलिड सा डिजाइन देखने को मिल जाता है इस फोन के साथ। और यहाँ पर दोस्तों काफी कलर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे इस फोन में। और वैसे भी दोस्तों नोकिया फोन काफी ड्यूरेबल होते हैं। इसके साथ इस फोन के कुछ बेसिक फीचर्स की बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है ये फोन, यानी कि इसमें आप एक सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो या फिर एक साथ दो सिम लगा सकते हो। इस फोन में आपको मिलता है सिंगल स्पीकर जिसकी साउंड क्वालिटी अच्छी दी गई है और ये फोन IP52 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि दोस्तों थोड़े बहुत बारिश की बूंदों में ये फोन खुद को प्रोटेक्ट कर लेगा। और बाकी दोस्तों, ये फोन आता है एंड्रॉइड 13 के साथ, जहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों बहुत ही क्लीन होता है। तो इस फोन में आपको काफी अच्छा और काफी क्लीन सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन में आपको लगभग 6.5 इंच की HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलता है, फिर भी दोस्तों 90Hz का जो रिफ्रेश रेट है इसके कारण आपको डिस्प्ले बहुत ही स्मूथ लगेगा। बाकी दोस्तों कैमरे की बात करें तो इस फोन में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरे का स्लॉट, जहाँ पर 50MP का मेन कैमरा सेंसर है, बाकी 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। और फ्रंट साइड में 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों फोन में आपको एक डिसेंट टाइप का कैमरा देखने को मिल जाता है, मतलब कि दिन में बहुत ही अच्छी फोटो क्लिक करेगा, लेकिन लो लाइट में यानी कि नाइट में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है कैमरा। बाकी दोस्तों इस फोन के बैक साइड से आप 60fps तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो फुल HD के साथ, जो कि एक अच्छा फीचर्स होता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की, यानी कि प्रोसेसर की। तो यहाँ पर दोस्तों ये फोन आता है स्नैपड्रैगन के 480+ वाले 5G प्रोसेसर के साथ, जो कि Adrenon के साथ आता है। फोन का अंतर्गत स्कोर 390 के आसपास रहता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। और इसमें आपको 5GB का वर्चुअल रैम सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो इस फोन में आपको एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, डेली यूज में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, वैसे ही इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत ही क्लीन होता है। और इसमें आप नॉर्मल टू कैजुअल लेवल की गेमिंग आप आराम से कर सकते हो। इसके अगर बात करें इस फोन के बैटरी बैकअप और चार्जिंग सपोर्ट की, तो इस फोन में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और ये फोन 20W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि एक फास्ट चार्जर होता है। तो फाइनली दोस्तों, अब इस फोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में आपको 2 एंड्रॉइड टैबलेट आगे और देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 13 तो मिल गया है, तो 14 और 15 देखने को मिलेगा इस फोन में। बाकी 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा और ये फोन 11 5G बैंड के साथ आता है। बाकी दोस्तों इस फोन में आपको कुछ कमियां देखने को मिलती है, जैसे कि HD+ डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले तो ठीक है दोस्तों, बट फुल HD+ डिस्प्ले होता तो थोड़ा बेटर लगता। बाकी नाइट का जो कैमरा है वो उतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए। लेकिन दोस्तों ये फोन डिजाइन, परफॉर्मेंस और बैटरी के मामले में बहुत ही कमाल का रहेगा। ऊपर से स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है, तो सॉफ्टवेयर वगैरह बहुत ही क्लीन रहेगा। प्राइस की बात करें तो ये फोन अभी आपको 6+128GB साथ 11,999 रुपए में देखने को मिल जाएगा और 1000 रुपए का बैंक डिस्काउंट चलते रहता है, तो उसे भी आप चेक कर लेना। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला फोन है पोको का पोको M6 Pro 5G। यहाँ पर दोस्तों इस फोन में आपको बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो गेमिंग वगैरह के लिए ये फोन काफी कमाल का रहेगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इस फोन के डिजाइन की बात करें, जो कि बहुत ही कमाल का है। इसकी जो बैक बॉडी है वो ग्लास की बनी हुई है, वो भी गोरिल्ला ग्लास की, तो देखने में ये फोन बहुत ही प्रीमियम फील होता है। इसके साथ बेसिक फीचर्स की बात करें
और ये फोन दोस्तों IP53 रेटेड है, यानी कि थोड़े बहुत बारिश के बूंद में ये फोन खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.79 इंच की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 6.5 इंच से थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले है। इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो कि एडेप्टिव है, यानी कि खुद से चेंज होता है 60 to 90Hz के साथ। बाकी इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है और काफी अच्छा भी है, गेमिंग के लिए या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, वीडियो देखने के लिए काफी अच्छा रहेगा। आगे दोस्तों बात करें इस फोन के कैमरे की, तो इस फोन के बैक साइड में आपको मिलता है डुअल कैमरे का सेटअप, यानी कि दो कैमरे लगे हुए हैं। 50 MP का मेन कैमरा सेंसर है और 2 MP का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, और फ्रंट साइड में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो इस फोन में आपको एक ठीक ठाक कैमरा देखने को मिल जाता है, यानी कि ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा खराब, बैलेंस टाइप का कैमरा मिलता है। वैसे भी दोस्तों ये एक गेमिंग फोन है, जो कि बहुत ही तगड़े प्रोसेसर के साथ आता है। तो चलिए बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस। दोस्तों इस फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 वाला 5G प्रोसेसर, जो कि दोस्तों 4nm के साथ आता है, और ये काफी तगड़ा प्रोसेसर है। इसमें आपको 430,000 के आसपास अंततः स्कोर देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों इसमें आपको 6GB का वर्चुअल रैम सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको लिक्विड कूलिंग फीचर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर काफी बेस्ट परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर लगा हुआ है, और ये एक बेस्ट गेमिंग फोन है। आगे बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और 18W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर दोस्तों इस फोन की बात करें तो इस फोन की जो बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि इसका जो कैमरा है वो उतना स्टेबल नहीं है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए। यहाँ पर दोस्तों ये फोन डिस्प्ले, बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही कमाल का रहेगा, खास करके गेमिंग के लिए। बात करें इस फोन के प्राइस की, तो ये फोन आपको अभी 4+64GB के साथ 10,999 रुपए में देखने को मिल जाएगा, और इस पर भी 1000 रुपए का डिस्काउंट चलते रहता है, तो डिस्काउंट वगैरह सब चेक कर लेना। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला फोन है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स हॉट 35G। यहाँ पर दोस्तों ये फोन भी हाल ही में लॉन्च किया है इन्फिनिक्स ने, और ये फोन डिस्प्ले, 5G सपोर्ट और बैटरी के मामले में बहुत ही कमाल का रहेगा। डिजाइन से शुरू करते हैं दोस्तों, तो इस फोन की जो बैक बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई है, और ये फोन थोड़ा मोटा और थोड़ा भारी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो बैटरी लगा हुआ है वो काफी बड़ा है, इसलिए दोस्तों फोन का जो बैटरी थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों बेसिक फीचर्स की बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है साइड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन है, यानी कि इसमें आप 2 SIM के साथ एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। बाकी दोस्तों इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, यानी कि 2 स्पीकर लगे हुए हैं, और ये स्पीकर DTS साउंड के साथ आते हैं। इसके साथ ये फोन IP53 रेटेड है, यानी कि थोड़े बहुत पानी की बूंद से ये फोन खुद को प्रोटेक्ट कर लेगा। और ये फोन आता है दोस्तों एंड्रॉइड 13 के साथ, जहाँ पर आपको XOS 13 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे इस फोन के मेन फीचर्स की। इसमें आपको 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 120Hz के हाईर रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और इसमें आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग काफी कमाल का डिस्प्ले देखने को मिलता है इस फोन में। बात करें इस फोन के कैमरे की, इस फोन के बैक साइड में आपको मिलेगा डुअल कैमरे का सेटअप, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ही कैमरा लगा हुआ है, बताते हैं क्यों। क्योंकि 50 MP का मेन कैमरा सेंसर है, बाकी जो दूसरा कैमरा है वो AI लेंस है दोस्तों, कोई कैमरा नहीं है। और फ्रंट साइड में आपको मिलता है 8 MP का सेल्फी कैमरा। यहाँ पर दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर कैमरा जो है डिसेंट टाइप का देखने को मिलता है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों जनरली इस प्राइस रेंज में आपको फुल एचडी की रिकॉर्डिंग का ही सपोर्ट मिलता है दूसरे फोन में, बट यहाँ पर आप 2K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30fps तक। आगे दोस्तों चलते हैं बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की, यानी कि प्रोसेसर। दोस्तों इस फोन में आपको मिलता है Dimensity 6020 का 5G प्रोसेसर, जो कि दोस्तों 7nm के साथ आता है, और इस फोन का अंततः स्कोर 370,000 के आसपास देखने को मिलेगा आपको। इसके साथ इस फोन में आपको 8GB का वर्चुअल रैम सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ओवरऑल प्राइस की अकॉर्डिंग आपको प्रोसेसर काफी अच्छा मिल जाता है, और इसमें आप मीडियम लेवल की गेमिंग भी कर सकते हो। बैटरी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको 6000mAh की बहुत ही तगड़ी काफी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, और 18W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों अब इस फोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 14 5G बैंड का सपोर्ट मिल जाता है, और इसमें भी आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो बिना अनाउंसमेंट वाला। बाकी दोस्तों इसमें आपको डिस्प्ले, कैमरा और परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है, और बैटरी बैकअप बहुत ही दमदार है दोस्तों। चलिए बात करते हैं इस फोन के प्राइस की। ये फोन अभी आपको 4+128GB साथ 11,499 रुपए में, 8+128GB साथ 12,499 रुपए में देखने को मिल जाएगा, और इस पर भी डिस्काउंट चलते रहता है 1000 से 500 रुपए तक का, तो चेक कर लेना। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला फोन है Vivo का Vivo T2X 5G, और दोस्तों ये फोन काफी अच्छे कैमरा सेटअप के साथ आता है, और यहाँ पर डिजाइन भी बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। वैसे ये फोन थोड़ा हल्का और पतला भी है दोस्तों। इसमें आपको
आपको साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, यानी कि एक सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, और सिंगल स्पीकर मिल जाता है जिसकी साउंड क्वालिटी अच्छी दी गई है। और साथ ही दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 13 के साथ, जहाँ पर आपको फन टच ओएस 13 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें इस फोन के डिस्प्ले की, तो इसमें आपको लगभग 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस वाली आईपीएस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि यू नोच के साथ आती है। बाकी दोस्तों देखा जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको काफी अच्छा मिल जाता है, लेकिन 60Hz की जगह 90Hz होता है तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। बाकी इसमें आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है डिस्प्ले में। आगे दोस्तों बात करें इस फोन के कैमरे की, जो कि काफी अच्छा प्लस पॉइंट है इस फोन का, तो इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पर 50MP का मेन कैमरा सेंसर है जो कि EI सपोर्टेड है, बाकी 2MP का माइक्रो सेंसर मिल जाता है, और फ्रंट साइड में आपको 8MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस इस फोन में बहुत ही तगड़ी दी गई है, आपको एक बेस्ट कैमरा फोन चाहिए तो इस फोन को आप परचेज कर सकते हो। आगे दोस्तों बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की, यानी कि प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी का 6020 वाला 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक नया प्रोसेसर है। यहाँ पर दोस्तों फोन के परफॉर्मेंस सेगमेंट की बात करें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा, मीडियम लेवल की गेमिंग आप आराम से कर सकते हो, ये एक अच्छा गेमिंग फोन भी है। आगे दोस्तों बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, और 18W का नॉर्मल सा चार्जिंग देखने को मिल जाता है इस फोन के साथ। तो फाइनली दोस्तों अब इस फोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले 60Hz के साथ देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा सा कम है। बाकी दोस्तों इसमें आपको 6G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और इसमें आपको 2 साल तक एंड्रॉइड का अपग्रेड देखने को मिलेगा आगे। बाकी दोस्तों इसमें आपको कैमरा बहुत ही तगड़ा देखने को मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है, बैटरी बैकअप 1 डे आराम से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको वीवो का एक बेस्ट कैमरा प्लस बेस्ट गेमिंग फोन चाहिए तो इस फोन को आप परचेज कर सकते हो, काफी अच्छा फोन रहेगा आपके लिए। बात करें इस फोन के प्राइस की, तो 4+128GB के साथ ये फोन आपको 12,999 रुपए में देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों इस फोन पर आपको 1000 रुपए का प्राइस आगे पीछे देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पर डिस्काउंट चलते रहता है, तो फोन परचेज करने से पहले डिस्काउंट जरूर चेक कर लेना। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला फोन है रियलमी का रियलमी नार्जो 60X 5G। दोस्तों ये फोन नया है, हाल ही में लॉन्च हुआ है, और ये फोन गेमिंग और चार्जिंग के मामले में बहुत ही कमाल का रहेगा। यहाँ पर दोस्तों डिजाइन की बात करते हैं, तो ये फोन दोस्तों कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, लेकिन दोस्तों डिजाइन आप खुद से देखो बहुत ही प्रीमियम फील होता है। यहाँ पर कुछ बेसिक फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में आपको मिलेगा साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, इस फोन में आपको ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि 2 सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो 2TB तक। बाकी इसमें आपको सिंगल स्पीकर मिल जाता है, क्वालिटी इसकी भी अच्छी दी गई है, और ये फोन आता है दोस्तों एंड्रॉइड 13 के साथ, जहाँ पर आपको रियलमी UI 4.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों इसके बेसिक फीचर्स, चलिए बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 120Hz के हायर रिफ्रेश रेट के साथ आती है। बाकी इसमें आपको एनर्जी ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, तो ओवरऑल काफी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है इस फोन में, और काफी फास्ट भी है। आगे दोस्तों बात करें इस फोन के कैमरे की, तो इस फोन के बैक साइड में आपको मिलेगा डुअल कैमरे का सेटअप, जहाँ पर 50MP का मेन कैमरा सेंसर है और 2MP का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, और फ्रंट साइड में आपको 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों फोन में आपको एक अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है, डे में भी अच्छा वर्क करता है और नाइट में भी अच्छी तरह से फोटो क्लिक कर लेता है, तो ओवरऑल एक अच्छा कैमरा मिल जाता है इस फोन में। बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की, यानी कि प्रोसेसर की, तो इस फोन में आपको डायमेंसिटी 6100 प्लस वाला 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों 6nm के साथ आता है, और यहाँ पर दोस्तों ये प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा रहेगा, क्योंकि 4,40,000 के आसपास इस फोन का अंतत स्कोर रहता है। बाकी दोस्तों इसमें आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टैग देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको 6GB का वर्चुअल रैम सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और लिक्विड कूलिंग फीचर्स वगैरह भी दिया गया है। तो अगर दोस्तों देखा जाए तो परफॉर्मेंस सेगमेंट में फोन बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, प्रोसेसर काफी तगड़ा है दोस्तों, तो ये एक बेस्ट गेमिंग फोन हो जाता है। बात करें इस फोन के बैटरी की, तो इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, और 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो फाइनली दोस्तों अब इस फोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस फोन में आपको कोई भी खास प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है प्राइस के अकॉर्डिंग, और ये फोन डिस्प्ले डिजाइन कैमरा और बैटरी के मामले में डिसेंट टाइप का रहेगा। बाकी दोस्तों ये फोन परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही तगड़ा रहेगा। चलिए बात करते हैं इस फोन के प्राइस की, तो ये फोन आपको भी 4+128GB के साथ 11,999 रुपए में, 6+128GB के साथ 12,999 रुपए में देखने को मिल जाएगा, और इस पर भी आपको 500 से 1000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलता रहता है अमेजोन पर। तो ये है दोस्तों इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट 5G फोन, जिसे आप 11,000 रुपए के रेंज में परचेज कर सकते हैं। दोस्तों फोन के प्राइस थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं डिस्काउंट और ऑफर के कारण, लेकिन दोस्तों फोन बहुत ही कमाल के मैंने आपको बताए हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो,
हो या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और दोस्तों इसके बाद मिलेंगे हम 15,000 रुपए के रेंज में आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन की वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।